व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं आरसीबी वर्सेस डीसी, फर्स्ट टीम टू विन 5 कंसेक्यूटिव मैचेस इन आईपीएल। ये आरसीबी ना कुछ भी कर सकती है, देखते शुभांग का मिश्रा क्या कुछ कहना है, और तारीफ के पुल आज तो बन देंगे मुझे लगता है टीम के लिए। 1 2 3 गो। 21 अप्रैल वो तारीख थी जब आरसीबी आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल पर 10वें नंबर पर थी, और 12 मई को आरसीबी 5वें स्थान पर। 21 मई को सारी दुनिया कह रही थी कि अबे फिर इस साला कप नाम दे बाबा जी का ठुल्लू ले। आरसीबी ने कहा यार भरोसा रखिए, पुराने खिलाड़ी। आरसीबी ने वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले, और आईपीएल के इतिहास की वन ऑफ द क्रेजियस्ट कमबैक की पटकथा लिखते हुए पॉइंट टेबल में न सिर्फ अपने रुतबे को मजबूत कर दिया बल्कि सीएसके को चैलेंज दिया कि गुरु फाइनल भले तुम्हारे घर में होगा लेकिन तुम खेलोगे या हम खेलेंगे, इस बात के लिए दोनों को दो दो हाथ करना पड़ेगा। आओ मिलते हैं एक आखिरी मुकाबले में 18 तारीख को। तुम जीतोगे हम जीतोगे, देखा जाएगा, दोनों लड़ेंगे। ये कहानी आरसीबी 2.0 की है जिसके कमबैक की कहानी अब सारी दुनिया बात कर रही, क्योंकि आरसीबी ने जिस तरह से कमबैक किया है आमतौर पर ऐसे कमबैक होते नहीं है। आरसीबी लगातार 6 मैच हार गई थी, लगातार 6 मैच, और 6 मैच हारना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 6 मैच हारने के बाद आरसीबी लगातार 5 मैच जीत जाती है, और अगर छठा मुकाबला भी वो चेन्नई से जीत जाती है तो चेन्नई आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएगी और आरसीबी जो है वो प्लेऑफ के अंदर शान से कदम रखने पहुंच जाएगी। आई मीन ये कमाल है, कमाल है, कमाल है यार। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया आरसीबी का वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन, विराट कोहली का वो एग्रेशन, विराट के साथ ऐसा लगा कि पूरी टीम बदल गई। वो यश दयाल जो 5 छक्के खाए बैठे थे, पिट पिटाए जा रहे थे, अब वो वसीम अकरम जैसे लगने लगे। मोहम्मद सिराज के अंदर ग्लेन मैग्राथ की आत्मा जग गई। नए नए लौंडे लपाड़ी जो है वो भी अब जोर लगा रहे कि इस साला कप नाम दे से इस साला कप नाम दू करना है। आरसीबी ने कमबैक बढ़िया किया गुरु, इस बारे में कोई भी ऐसा नहीं है जो डिनाई करेगा, क्योंकि जो टीम 8 में से 7 मैच हार गई पहले 8 में से और पॉइंट टेबल पर 10वें नंबर पर हो, वो टीम अगर 5 में 5 मैच जीत कर आती है और पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर आती है और 3 और 4 नंबर की टीम वो कहती है कि हो सकता है हम आपको पटक दे, मतलब हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं पटक देंगे लेकिन हो सकता है, हो सकता है। आरसीबी का डेट रेट जो है वो पॉजिटिव में है, 0.39 प्लस में, चेन्नई का 0.5 में है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक ठाक मार्जिन से हराना होगा। अगर 25-30 रन से आरसीबी ने सीएसके को हराया तो फिर कहानी अलग हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आरसीबी आईपीएल 2024 जीतने में फेवरेट्स में आ जाएगी। सीएसके वर्सेस आरसीबी का मुकाबला चिन्ना स्वामी में होने वाला है, यानी घर में आरसीबी को जीतना है, और अगर ये मुकाबला घर में आरसीबी जीत गई तो गुरु ये सीजन का सबसे बड़ा मैच हो जाएगा, इससे बड़ा मैच फिर कोई नहीं होगा। है ये सबसे बड़ा इस मैच में, या तो धोनी के फैंस खुशियां मनाएंगे या आरसीबी वाले खुशी। वैसे आरसीबी 5 मैच से खुशी मना रही है, एसआरएच को 35 रन से, जीटी को 9 रन से, 9 विकेट से, जीटी को 4 विकेट से, पंजाब को 60 रन से, डीसी को 47 रनों से, 5 मैच लगातार जीतना कोई आसान कहानी नहीं है। कोशिश की थी अक्षर पटेल की टीम ने भी, अक्षर पटेल ने भी 57 रन बनाए थे, लेकिन ऐसा लगा कि किस्मत जो है वो शायद दिल्ली से रूठी हुई है, क्योंकि दिल्ली जब फील्डिंग कर रही थी तो कैच, तो लॉलीपॉप कैचेस ड्रॉप, इजी कैचेस, खुद अक्षर पटेल ने कैचेस ड्रॉप किए, और जब दिल्ली बल्लेबाजी करने गई तब फ्रेजर मैकगर का वो अनफॉर्चुनेट रन आउट, शायद वो रन आउट ना होता तो ये मैच अलग होता, बॉलर सेंड पर आ, आरसीबी किस्मत अलग हुई यार, मतलब अलग तरह से ली गई, और इसी वजह से आरसीबी जो है फिलहाल कैरी कर लेंगे यार। अब आरसीबी के देखिए, जिन जिन खिलाड़ियों का मजाक उड़ा था, रजत पाटीदार का कितना मजाक उड़ाया गया था, अब एसआरएच के सामने 50 रन, पंजाब के सामने 50 रन, केकेआर के सामने 21 बॉल पे 50 रन, 26 बॉल पे एमआई के सामने 50 रन, डीसी के सामने 29 बॉल पे 50 रन, रजत पाटीदार जो है अब वो बन गए मैक्सवेल, अलग लेवल पे चले गए कि भाई साहब हम ही हम है बाकी सब पानी कम है। विराट जिनके स्ट्राइक रेट को लेकर क्वेश्चन, 13 बॉल 27 रन, भले ईशांत शर्मा ने आउट कर दिया लेकिन जो टेम्पो दिखाया, जो इंटेंट दिखाया वो तारीफ करने वाला था, बढ़िया था, मौज काट के खेल रहे थे। ईशान शर्मा को छक्का मारा, ईशान को छेड़ा, ईशान ने आउट किया, उन्होंने छेड़ा, बाद में ईशान बल्लेबाजी करने आया, फिर विराट ने छेड़ा, मजा आया एज अ फैन देख के मजा आया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आरसीबी 2.0 कोई नई पटकथा लिखेगी, क्या आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी आरसीबी की तरफ से आएगी, हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं फिलहाल कहानी क्या होती है। बट आईपीएल तो इंटरेस्टिंग होगा, सीएसके वर्सेस आरसीबी 18 तारीख, नोट कर लीजिएगा, बताइए कौन जीतेगा,
इस साल ईसाला कप नाम दे? बताओ क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है? वो कहते हैं ना कि लाइन थी एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम, ये चीज तो करके दिखाई है। रजत पाटीदार हो, रियान परागो, इन्होंने भाई साहब कैसे मतलब कितना ट्रोल हुए ये, और इन्होंने फिर करके दिखाया। ब्रांड बिल्डिंग ट्रोल से भी होती है, क्योंकि जब आप अच्छा कर देते हो ना तो एकदम से क्लिक होता, अरे ये इसके पता मीम बनते थे, ये तो वही प्लेयर है। एक जब करके आया था तो हार्दिक पांड्या में कंट्रोवर्सी, एक ने करके दिखाया तो देख क्या कर ओ भैया। और आरसीबी का मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये टीम ना अब बेखौफ है, ये इसने ठान लिया कि भैया देखी जाएगी आर या पार, और उस इंटेंट से नहीं खेलेंगे, पक्की बात देख लेंगे, ये वैसे नहीं खेलेंगे, थोड़ा सेफ खेल लेते, ये आएंगे ताबड़तोड़। इनने कहा कि ठीक है यहाँ तक भी, मतलब यहाँ तक ये आ गए हैं, और वो बेखौफ क्रिकेट खेलना पड़ेगा आपको, वो चीज नहीं करनी पड़ेगी रुक रुक के। और सीएसके का मैं कह रहा हूँ, सीएसके थोड़ी सी असमंजस में फंसी हुई टीम है, वो थोड़ा सा रन कम बना रही है स्टार्टिंग के पावर प्ले में, उसको थोड़ा इंटेंट दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये टीम तो आएगी ऐसे आर या पार, ये बेफिक्र वाले उसमें आएगी, क्योंकि इनके सामने एक टर्म से कंडीशन है कि इनको हराना तो है लेकिन अच्छे मार्जिन से भी हराना है, 27-28 रन से भी हराना है, तभी इनकी नेट रन ठीक होगी। तो ये टीम प्लानिंग करके आएगी, एग्जीक्यूट कर रही है, पूरा प्लान होगा, एग्जीक्यूट होता है नहीं होता बात की बात, लेकिन इस टीम में इंटेंट है, इस टीम में वो जोश दिखता है, टारगेट भी अच्छा खासा देना पड़ेगा, या फिर अगर चेस भी करना है भाई तो। इस टीम ने हर तरीके से, चाहे वो ये कहते थे इस टीम में वो बार बार फेरबदल करते हैं नहीं करते, इनने कहा कि भैया फेरबदल तो करेंगे लेकिन अब खेलेंगे भी। कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, वो स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है भाई साहब, हर मैच में आप कोहली को देख लो, कोहली भाई साहब नेक्स्ट लेवल। और कल वो मस्त लगा था जब ईशांत शर्मा ने आउट किया उसके, फिर ऐसे टक्कर मार के, वो चीज भी बढ़िया थी, वो बॉन्डिंग होती है क्रिकेट की और मस्त। लेकिन लव हिम और हेट हिम, विराट कोहली का जो एग्रेशन फील्ड पे रहता है ना जीतने के लिए, और वो अलग ही जोश पे कल जो उसका सेलिब्रेशन, एक बार बता दो, एक बार बता दो, अगर मान लो विराट वो मैच जीत जाए, टीम में विकेट मिल जाए, ऐसे करे यस यस अच्छा लगेगा, सबकी अलग पर्सनालिटी होती है, जोश भाई। ब्रेटली का याद है तेरे को, विकेट में ऐसे कर देता था, इंडियन आइडल जीतता वो वहां पे इतना, कोई बिग बॉस जीतता वहां पे इतना सेलिब्रेट करता होता है, अपना स्टाइल यार, ये करियर है, एक तरह कोई, पैशन है, कोई एक्सप्रेसिव होता है कोई नहीं होता है, सबकी बात है, जैसे वो देख लो ना, मेरे को तो ब्रेटली शोएब अख्तर का देख लो भाई साहब, प्लेन बन के निकल जाता था, तो वो चीज है। और वो हर एक प्लेयर की अपने अपना स्टाइल होता है, तो आपको कोई पसंद हो ना पसंद, वो अपने गेम में तो माहिर है सबसे पहली बात है ना, और हम ट्रोल तब करें ना कि जब वो बंदा कर भी ना रहा है, उसने हमेशा अपने परफॉर्मेंस से जवाब दिया है, परफॉर्म करके फिर जवाब दे देता है, और जब नहीं परफॉर्म हो रहा होता ना तभी वो कहते हैं रुक जाओ, कुछ वैसे भी नहीं है उसकी बात है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी है क्या, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, और आप किसको सपोर्ट करो, आरसीबी सीएसके बताना जरूर, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।